दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। करंट अफेयर्स में आइए आज हम नए विषयों पर चर्चा करते हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में जो आपने मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था कि आपका जो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में और ये सारी चीज़ें जो थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से, कब, किसके द्वारा, इसके ब्रांड एम्बेसडर, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसके आंसर को प्रेजेंट किया है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को ठीक है, कहां से, तो पानीपत हरियाणा। ठीक है, कहाँ से हुई थी, पानीपत हरियाणा से। आपने इसका भी आंसर बिल्कुल सही दिया है दोस्तों कि इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो साक्षी मलिक इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, अच्छा पूछेगा 2015 में इनका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था, तो याद रखिएगा माधुरी दीक्षित को 2015 में इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चूंकि क्या था, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो सेक्स रेशियो है, आपका जो लिंगानुपात है, वो सबसे कम था। ठीक है, बहुत खराब स्थिति थी वहाँ पे बेटियों को बचाने के लिए एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब आज के मुद्दे पे चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, हाल ही में आए चक्रवात ने तबाही मचाई है। आप सब ने दोस्तों करंट अफेयर्स देखा होगा अभी हाल ही के कुछ दिनों का, 2-3 दिन का, कि एक चक्रवात आया है जिसका नाम क्या है, ताउकते। कई जगह तौकते मिल रहा है, ताउकते मिल रहा है, तौते मिल रहा है, TAUKTEE। ठीक है, TAUK ये मिल रहा है नाम। ठीक है, ताउकते, तो इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं हम, ताउ या ऐसे तौकते लिख सकते हैं। ठीक है, तौकते लिख देते हैं। ये कौन सा तूफान है दोस्तों, तौकते। अच्छा, अगर ये तौकते तूफान है तो आपसे दो प्रश्न पूछता है कि इसका नामकरण किसने किया, तो इसका नामकरण किया है दोस्तों म्यांमार ने। इसका नामकरण किसने किया है, तौकते का नामकरण किसने किया है, म्यांमार। ठीक है, अच्छा अगर आपसे मैं बोलूं कि म्यांमार की राजधानी क्या है, तो म्यांमार की राजधानी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी है नै पेत आओ, नै पेत आओ। क्या है म्यांमार की राजधानी दोस्तों, राजधानी क्या है, नै पेत आओ। ठीक है, अच्छा म्यांमार की राजधानी हो, मुद्रा की बात करेंगे दोस्तों, तो म्यांमार की मुद्रा है क्या, म्यांमार की मुद्रा है क्या, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। ठीक है, अच्छा म्यांमार ही दोस्तों वो देश है जहां पे अभी सैन्य शासन लग चुका है, वहां पे लोकतंत्र को खत्म कर दिया गया है और सैन्य कार्रवाई के माध्यम से जो है राष्ट्रपति और वहां के सर्वोच्च नेता को क्या किया गया है, हिरासत में लेकर के सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है देश को। ठीक है, तो म्यांमार की राजधानी, अच्छा म्यांमार की सर्वोच्च नेता का नाम पूछेगा तो आंग सांग सू की, म्यांमार की सर्वोच्च नेता है आंग सांग सू की। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि भारत के कितने राज्य म्यांमार से लगे हुए हैं, ये सारी चीजें आपको काफी डिटेल में याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ना काफी क्वेश्चंस घुमाते हैं यहाँ से। तो म्यांमार से भारत के कितने राज्य लगे हुए हैं, तो एक बच्चे लोग अपनी मम्मी को कैसे बुलाते हैं, आना मम्मी, इधर आना मम्मी, तो आपको याद रखना है आना मम्मी, क्या याद रखना है, आना मम्मी। ठीक है, आ से बनेगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, ना से बनेगा नागालैंड, इस मा से बनेगा मणिपुर और इस मी से बनेगा मिजोरम। ठीक है, तो ये चार राज्य हैं दोस्तों जो लगते हैं म्यांमार से भारत, मतलब भारत के चार राज्य जो म्यांमार से अपनी सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अच्छा अब एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं, तो
भारत को म्यांमार से कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं, ये आपको खोजना है। खोज करके कमेंट बॉक्स में होमवर्क है आपका, म्यांमार को भारत से कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं। एक आपको मिलेगा अर्कान्यूमा, अर्कान्यूमा को छोड़ करके एक और आंसर आपको खोजना है। नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा, अगर मैं भूल जाऊंगा तो मैं आपको फिर उस आंसर को बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। एक है आपका अर्कान्यूमा और एक और है आपका, उसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है चक्रवात ताऊकुते से। ताऊकुते का नाम किसके किसने किया है इसका नामकरण, तो म्यांमार ने किया है। और इसने किस किस राज्य को तबाही पहुंचाई है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ये तीन राज्य बेसिकली अभी, और थोड़ा बहुत केरल तमिलनाडु भी, तो बेसिकली ये महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा और आपका गुजरात, इन राज्यों में भयंकर तबाही मचाया है, बहुत गंदे स्तर पर तबाही मचाया है, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट है हमारा, शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है, पशुओं को कोविड 19 टीका लगाने वाला विश्व का पहला देश। सोचिए, इंसान को टीका लग रहा है, उसके बाद इतना स्पीड से काम हुआ है कि वहां वो अपने पशुओं को भी टीका लगाने के लिए टीका बना लिया, तो वो और कोई नहीं है, वह है रूस। ठीक, रूस का ही पुराना नाम है दोस्तों, यूएसएसआर। कई जगह आपको देखिएगा ऐसा लिखते मिलता है यूएसएसआर, ठीक है, तो यूएसएसआर ही आज का क्या है, रूस। क्या था पहले, रूस बहुत बड़ा था, फिर उसके बाद उससे टूट करके 15 अलग अलग छोटे छोटे देश बने हैं, तब आज रूस है। और आज की डेट में भी रूस दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को जो है दोस्तों, मॉस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी को मिलाकर के भारत और रूस के द्वारा बनाया गया है दुनिया का सबसे तेज, सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रशिया की मॉस्को नदी। उसके बाद रशिया से बात करते हैं। रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर पुतिन, और इनकी रचना है द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन की रचना क्या है, द फर्स्ट पर्सन। नेक्स्ट है, मत्स्य क्षेत्र में सर्वाधिक या सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार इस साल किसे, किस राज्य को प्रदान किया गया है, तो उड़ीसा को याद रखिएगा, उड़ीसा को मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, अच्छा, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, ठीक है, बीजू जनता दल से है वो। और उसके बाद आपका उड़ीसा के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। उड़ीसा में ही आपको सिमलीपाल, नंदनकानन और भीतरकनिका मिलेगा। भीतरकनिका आपका ऑलिव रिडले कछुआ या कछुआ प्रजनन केंद्र के रूप में, मतलब उसके लिए फेमस है, ठीक है। उड़ीसा में ही आपको मिलेगा खारा झील, खारे पानी का झील, चिल्का लेक, जहाँ पे आपका इंडियन नेवी का भी क्या है, सेंटर है, ठीक है, नेवी का प्रशिक्षण केंद्र, सॉरी। तो इतनी बातें आपकी उड़ीसा से है। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे अधिक मछली जो उत्पादन होता है, ये तो पुरस्कार जीते है उड़ीसा, इसका ये मतलब नहीं है कि उड़ीसा में सर्वाधिक उत्पादन होता है मछली का। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक मछली का उत्पादन कहां होता है, तो ये होता है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में होता है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दोस्तों बने हैं कौन अभी, एमके स्टालिन, जो कि डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। तमिलनाडु के सीएम कौन है, एमके स्टालिन। और तमिलनाडु के राज्यपाल है दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है, अच्छा, अगर एमके स्टालिन की बात करता हूं, कौन से पार्टी से हैं, तो डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं ये, डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और इसका प्रतीक चिन्ह है उगता सूरज। ठीक है, डीएमके पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या है, उगता सूरज। डीएमके का फुल फॉर्म द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। नेक्स्ट है, भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक, तो भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक है दोस्तों एम नरसिम्हम। अब ये पॉइंट को मैंने क्यों लिखा है एम नरसिम्हम को, क्योंकि इनका क्या हुआ है, इनका निधन हो गया है।
ठीक है। तो भारतीय बैंकिंग सुधार के जनक एम नरसिम्हम जी हैं, इनका निधन हो गया। आपने जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, जब आपने बैंकिंग सेक्टर को कवर किया होगा, तो आपने पढ़ा होगा एम नरसिम्हम समिति बैंकिंग पुनर्संरचना एवं बैंकिंग सुधार के लिए समिति बनाई गई थी इनकी अध्यक्षता में। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आज के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक सुनते रहिए, आपका आज का आपका दो होमवर्क है। एक आपका है भारत म्यांमार के बीच अरका न्यूमा को छोड़कर कौन सी पर्वत रेखा दोनों को विभाजित करती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पुस्तक राजधानी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, या विश्व पुस्तक राजधानी 2021 किसे घोषित किया गया। इसका आंसर आपको सर्च करना है, कमेंट करना है, और जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करना है। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जा करके प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लें। और उसके बाद क्या करें, आप सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होता है, उस बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, बेल आइकन में ऑल कर लें। उससे क्या होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप अपना नेट ऑन करेंगे, आपको ऊपर अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन में हमारे जो नए वीडियोज़ आते हैं ऑटोमेटिक आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कहीं आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, किसी लिंक पर नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में।